बेटा आशु बेटा आशु, आज सुबह अचानक तेरे खाली कमरे को देखकर मैं चौंक गई। भूल गई थी कि मेरी बेटी अब मुझसे मीलों दूर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा चुकी है। तू पहली बार इस घर से और मुझसे इतनी दूर है, ये तेरी जिंदगी का बहुत ही नाजुक और अहम पड़ाव है, और इसलिए मैं कुछ बातें तुझसे कहना चाहती हूँ जो मुझसे उस वक्त किसी ने नहीं कही जब मैं तेरी उम्र की थी। काश कही होती। बेटा, इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे नहीं, क्या करना है, क्या नहीं, क्या गलत है, क्या सही, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग तुझे बताना, तुझे सिखाना, तुझ पर थोपना चाहेंगे। पर तू किसी और को अपनी जिंदगी की परिभाषा रचने मत देना। अपना सही और गलत तो खुद तय करना, और जो सही लगे उसे कभी पीछे मत हटना, क्योंकि सही वही है जो तेरी अंतरात्मा तुझे कहे, ना कि वो जो कि दुनिया तुझे बताए। तेरे स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है, उस पर आंच ना आने देना। बहुत आसान है इस दुनिया की होड़ में खो जाना, अपने आप को इसके पैमाने में ढाल लेना, इसके दायरों में सिमट के रह जाना, सबका लगना, सबसा लगना। मुश्किल है अपनी अलग पहचान बनाना, मुश्किल है अपने दायरों को बढ़ाना, खुद के बनाए रास्तों पर चलना, ठोकर खाना और फिर संभलना। याद रखना, तेरी असली खूबसूरती तेरा आत्मविश्वास, तेरा हौसला और तेरी मुस्कान है। इसके अलावा सुंदरता के सारे मायने फिजूल हैं। बेटा, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना। लोगों में कमियां हमेशा रहेंगी, बुराइयां हमेशा रहेंगी, पर उन बुराइयों को समाज की पहचान मत समझना। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छाई है, और लड़की होने के लिए ये बेहद अच्छा समय है। तेरे पास वो सब कुछ है जो तुझसे पहले की पीढ़ियों को कभी नहीं मिला। तेरे पास आजादी है खुल के जीने की, अपने फैसले खुद करने की। इस आजादी की इज्जत करना और इसका सही इस्तेमाल करना। डर के मत जीना, दब के मत रहना, डट के मुश्किलों का सामना करना। और सबसे जरूरी बात ये कि अपनी लड़ाइयां सोच समझ के चुनना। तुझे यहां मर्दों की बराबरी करने के लिए नहीं भेजा गया है। ये दुनिया मर्दों और औरतों की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है बेटा। हमें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए भेजा गया है। रूह, आत्मा ना ही मर्द होती है ना ही औरत, उसे तो केवल शरीर दो अलग किस्म के मिलते हैं। तू किस्मत वाली है, तुझे औरत का मिला है। इस शरीर का सम्मान करना, इसका ख्याल रखना, औरत होने के हर पहलू को स्वीकार करना और उसका आनंद उठाना। तू भगवान की सबसे सुंदर कृति है, अपनी जिंदगी भी उतनी ही सुंदर बनाना। तेरी इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दिलचस्प अंक शुरू होता है अब।